सो हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने लिंक रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी और आज हम उसके आगे का प्रोसेस मतलब हमारी क्रेब्स साइकिल या फिर हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ। हमने स्टार्ट करी थी ये सीरीज़ ग्लाइकोलिसिस से, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है हम उसे ब्रेक करके पाइरूविक एसिड बना लेते हैं, और ये जो पाइरूविक एसिड है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो बताओ कितने पाइरूविक एसिड बन जाने चाहिए? ऑब्वियसली 2। और उसके बाद ये पाइरूविक एसिड से हमने CO2 बाहर निकाल दी थी। अब 3 कार्बन में से एक CO2 अगर बाहर चली जाएगी तो ऑब्वियसली 2 कार्बन बचेंगे, और जो 2 कार्बन है उसके वाले जो कंपाउंड हमने बनाया था वो था हमारा एसिटाइल कोए। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब ऑब्वियसली एसिटाइल कोए भी 2 ही मिलेंगे, एक पाइरूविक एसिड से 1 मिलेगा और 2 पाइरूविक एसिड से तो 2 मिलेंगे, और इनमें कितने कार्बन होंगे? एक एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन बचे हुए होंगे। अब मैंने कल ही वीडियो में आपको एक क्लियर किया था कि जब भी आपका CO2 रिलीज होगी तो वहाँ पर आपको NADH मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना, ये आज बहुत काम आएगी, ठीक है? तो इतने इस बातों को अगर आपको याद है तो अब हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एसिटाइल कोए का यूज़ करने से पहले और आपको सिट्रिक एसिड साइकिल बताने से पहले मैं आपको इसके निमोनिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल जिसमें हमारी पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल होगी। कैन आई कीप सेलिंग सबस्ट्रेट फॉर मनी ऑफिसर, ये हो गए हमारे निमोनिक्स। कैन आई कीप सेलिंग सबस्ट्रेट फॉर मनी ऑफिसर, ये सबस्ट्रेट हमें याद रखने हैं। अब इन सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, मैं एक एक करके सबके नाम लिख रहा हूँ, और बेफिक्र रहना, नाम मुश्किल लगेंगे पहली बार में लेकिन साइकिल 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। सी है हमारा सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट, इसी की वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। आई है हमारा आइसोसिट्रेट। के है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एस है मेरा सक्सिनाइल कोए। दूसरा एस है सक्सिनेट। सारे नाम आपको याद हो जाएंगे अगली ही टर्न में। अगला नाम है फ्यूमरेट, उसके अगला वाला नाम है मैलेट, और फाइनल जो नेम है मेरा वो है मेरा ऑक्सिलेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है? तो आई होप आपको ये नाम आराम से याद करना, अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, साइकिल जैसे ही मैं दूसरी बार बनाऊंगा आपको उस टर्न पे नाम याद हो जाएंगे। मैं आपको कुछ और भी याद दिलाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। अभी तक एसिटाइल कोए आया था जिसमें 2 कार्बन थे, मतलब मेरे को एनर्जी सिर्फ 2 कार्बन से ही निकालनी है, इसका मतलब मैं सिर्फ 2 CO2 रिलीज़ करवाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। समझना अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो सिट्रिक एसिड के अंदर आपके 6 कार्बन होते हैं, आइसोसिट्रेट में भी आपके 6 कार्बन होते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में आपके 5 कार्बन होते हैं, सक्सिनाइल कोए में आपके 4 कार्बन होते हैं। मैंने 2 कार्बन ऑलरेडी डिक्रीज कर दिए, इसका मतलब अब आगे सब में 4 कार्बन ही बचे रहेंगे, मेरे पास 2 ही कार्बन को रिलीज़ करने की परमिशन थी, ठीक है? अब वो 2 कार्बन, अच्छा एक बात सोचो, ये 6 कार्बन का कंपाउंड कैसे बनेगा? मेरे पास तो एसिटाइल कोए ही है बस, जिसमें 2 कार्बन थे, वह उसी के लिए हमें ये साइकिल पढ़नी है। अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, तो इससे पहले हम इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचा रहे। तो मैं यहाँ पर इस साइकिल को ड्रॉ करता हूँ। देखो अब क्या करूँगा, मैं इस साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जिसमें मैं सारे के सारे पूरे पूरे नाम लिखूँगा इनके, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोए मेरा जो बना था मैं उसको लेकर आता हूँ, इसके अंदर मेरे 2 कार्बन थे। अब सुनना, इससे ऑक्सैलेट के अंदर कितने कार्बन हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें 6, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, फिर सब में 4, तो यहाँ पर मेरे 4 कार्बन हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये एसिटाइल कोए आता है रिएक्शन में, एंटर करता है, इस ऑक्सैलेट के साथ मिक्स होता है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन करवाते हैं, और जब हम यहाँ पर वाटर डाल देते हैं उसके बाद हमारा बन जाता है सिट्रेट, ठीक है? बहुत ईजी सा स्टेप है, इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, कुछ नहीं है। 4 कार्बन का कंपाउंड था, 2 कार्बन का कंपाउंड ऊपर से आ गया, मिल करके सिट्रेट बना लिया या फिर सिट्रिक एसिड बना लिया। अब ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 + 2 = 6 कार्बन। अब आइसोसिट्रेट, ये तो इसी का आइसोमर होता है, तो आइसोमर में कार्बन का नंबर तो चेंज नहीं होगा, तो बस नाम लिख देते हैं आइसोसिट्रेट, यहाँ भी आपके 6 कार्बन है। आइसोसिट्रेट के बाद आपका नीचे वाला जो कंपाउंड है वो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। अब एक बात सोचो,
छः से पाँच कार्बन बन गए ना। अब पाँच कार्बन हो गया तो मतलब यहाँ पर CO2 रिलीज़ हुई होगी, और मैंने कहा था जहाँ भी CO2 रिलीज़ होगी वहाँ आपको NADH मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको CO2 के रिलीज़ होने की वजह से एक NADH भी मिल जाएगा। तो NAD+ आएगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ H+ बना लेगा, ठीक है। एक NADH तो आपको यहाँ से मिल गया। अब फिर ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट से यहाँ मेरा बनेगा सक्सीनाइल को ए, और इसके अंदर भी मेरे चार कार्बन थे, एक कार्बन मतलब एक CO2 यहाँ भी रिलीज़ हो गया मेरा। और ऑब्वियस सी बात है अगर एक CO2 यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा तो मेरे को एक NADH यहाँ से भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एरो दिखा दे रहा हूँ ताकि आप, या फिर एक काम करते हैं बना ही लेते हैं। तो NAD+ और यहाँ पर ये NADH2 बना लेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, सक्सीनाइल कोए के बाद ये सक्सीनाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते, ये सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया है। अब ध्यान से सुनना, एस और एस दोनों एस के बीच में होता है सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था। सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट ATP मिलती है। तो यहाँ इस स्टेप पे आपको मिलता है आपका GTP, यहाँ पे आपका GDP आता है और GTP बना लेता है, और फिर ये GTP टूट करके ATP बनवा देता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ध्यान से देखो, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे कि ये कहाँ पर हो रहा है, तो दो एस के बीच में सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। वापस आते हैं, ये है मेरा फ्यूमरेट। सक्सीनाइल को चार का सक्सीनेट चार कार्बन का कंपाउंड था, फ्यूमरेट भी आपका सिंपल चार कार्बन का ही कंपाउंड है। और जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो आपको यहाँ पर एक FAD मिलता है, फ्यूमरेट के पास आपको FAD मिलता है। इनको याद करना इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो नाम से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सक्सीनाइल कोए और सक्सीनेट के बीच में सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और सक्सीनेट और फ्यूमरेट के बीच में आपको FAD मिल जाता है, मतलब फ्यूमरेट के पास आपको FAD मिलेगा। और फ्यूमरेट से फिर आपका मैलेट बन जाता है, और जब मैलेट से वापस आप, मैलेट भी आपका चार कार्बन कंपाउंड होता है, और इससे जब आपका वापस ऑक्सलेट बनता है तब आपको एक NADH और मिल जाता है। यहाँ NADH मिलाया का ये मतलब मत कर देना कि CO2 निकाल दो। अब कहीं से CO2 नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर आप CO2 आपने निकाल दी तो कार्बन बच जाएंगे तीन, और तीन कार्बन बच गए तो साइकिल रिपीट कैसे होगी। दो कार्बन का ऊपर से आएगा, तीन का यहाँ से, पाँच कार्बन का सिट्रेट तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए साइकिल एक ही बार चलेगी, और उसमें क्या होगा, जो आपका फाइव कार्बन के बाद फोर कार्बन कंपाउंड बनेगा, इसके बाद सारे चार कार्बन के ही बनेंगे। बीच के आपको जो तीन स्टेप्स याद करने हैं वो है आपका सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको याद रखना बहुत ईजी है, फ्यूमरेट के नीचे FAD बनता है, ये भी बहुत ईजी है, और उसके बाद आपको फाइनली बस मैलेट से ऑक्सलेट में NAD बनता है, इतना याद रखना है। तो इस तरीके से ये होती है मेरी पूरी साइकिल। अब सिर्फ एक काम बचता है, वो है मेरा एंजाइम्स के नाम। तो साइकिल मैंने पूरी ड्रॉ कर दी है, एंजाइम्स के नाम अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो इतनी बड़ी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे एंजाइम्स के नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी साइकिल ले आया। अब मैं इनके पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए एंजाइम के नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले एसिटाइल को ए आया था। एसिटाइल को ए दो कार्बन कंपाउंड था, जो कि चार कार्बन कंपाउंड ऑक्सलेट के साथ कंबाइन हुआ था। यहाँ आपने थोड़ा सा वाटर डाल दिया था, और वाटर के डलने के बाद आपका सिट्रेट बन गया था। मैं सिट्रेट का नाम नहीं लिखूंगा, वाटर के डलने के बाद सिट्रेट बना था। ये सिट्रेट बना है ना, तो सिट्रेट बनाने के लिए एंजाइम आया था सिट्रेट सिंथेटेज। अब सिट्रेट का आइसोमर बन गया था, सिट्रेट का आइसोमर बना था आइसोसिट्रेट। तो यहाँ पर जो एंजाइम आता है वो है हमारा एकोनाइटेज। अगर इसका नाम याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बस मैंने बता दिया एक्चुअल में क्या होता है, इसमें वाटर ऐड होता है फिर दोबारा निकल जाता है और आपका आइसोसिट्रेट बन जाता है। उसके बाद आइसोसिट्रेट से जो आपका अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट बनता है, यहाँ पर अब ध्यान से समझना इन एंजाइम्स के नाम कितने ईजी हो जाएंगे। देखो आपने क्या करा था, यहाँ से CO2 निकाल दी थी और NADH गेन करवा लिया था। अब एक बात बताओ, NADH जो बन रहा है आपके, एक सेकेंड, जो आपके NAD से NADH बन रहे हैं, यहाँ भी बनता है एक, यहाँ भी बनता है एक, यहाँ से भी आता है एक, यहाँ से भी आया था FAD आया था, NAD नहीं आया था, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन इनको मिल रहे हैं ये सब इन्हीं में से निकल रहे हैं ना, आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है। तो
मेरे को ये बताओ, जो एंजाइम हाइड्रोजन निकालेगा, क्या उसका नाम मैं डिहाइड्रोजिनेज रख लूँ? ठीक है, अब आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकाला तो एंजाइम हो गया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट में से हाइड्रोजन निकाला तो हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद FAD मतलब सक्सीनेट में से हाइड्रोजन निकाला है ना, सक्सीनेट में से हाइड्रोजन निकाल के फ्यूमरेट बनाया था, तो सक्सीनेट में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो नाम रख देते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद फाइनली मैलेट में से हाइड्रोजन निकाल लिया तो नाम रख दो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गए आधे नाम, बचे हैं एक या दो तीन नाम, उनको भी देख लो। एकोनाइटेज हो गया है, ये वाला एक एंजाइम बचा है और एक ये वाला एंजाइम बचा है। यहाँ पर जो एंजाइम आता है वो है मेरा फ्यूमरेज, ठीक है, और यहाँ वाले एंजाइम का नाम है मेरा, यहाँ GTP मिला था तो GTP। और जब भी मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में ही बताया था कि जब भी ATP से रिलेटेड बात होगी तो एंजाइम होता है काइनेज, ठीक है, तो GTP काइनेज। लेकिन सक्सीनाइल और सक्सीनेट में सल्फर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको थायोकाइनेज बोल देते हैं। जो आपने सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज़ करते हैं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ताकि ये आपको पूरी साइकिल दिखाई दे पाए। हाँ, ये ठीक है, अब आपको सारे एंजाइम के नाम अच्छे से दिख रहे होंगे। ये थी हमारी क्रेब्स साइकिल। अब एक लास्ट काम कर लेते हैं, हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल चुका है। ये सब एक एसिटाइल कोए से हुआ है, ध्यान रखना, एक एसिटाइल कोए से हमें ये सब कुछ मिला है। तो क्या क्या मिला है ज़रा यहीं पर एक बार लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर एक ATP मिला, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या क्या मिला है मेरे को? सबसे पहले तो यहाँ से एक GTP मिला था जिससे ATP बन गया था, तो एक तो ATP मिल गया है, ठीक है, एक NAD मिला है, ठीक है, एक ये मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से, तीन NADH मिले हैं, ठीक है, और क्या मिला है, एक FADH मिला है, ठीक है, और बस ये सब चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है ना। ये है एक टन का काम, लेकिन मेरे पास तो दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, तो इन टू टर्न्स में क्या क्या हो जाएगा, यही सबको ट्वाइस कर देना, तो एक ATP की जगह ATP दो बना दो, NADH छः कर दो और FADH को फाइनली आप दो कर दो। तो ये हो गई बैलेंस शीट। अब एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये साइकिल हो कहाँ पर रही है? ये साइकिल हो रही है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ आपकी लिंक रिएक्शन हो रही थी वहीं पर ये साइकिल भी चल रही है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर बैलेंस शीट बना लेता हूँ, और बैलेंस शीट जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं एक ग्लूकोज के लिए। सबसे पहले एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया था, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या मिला था आपको? ग्लाइकोलिसिस में मैं यहाँ पर हिसाब ले लेते हैं, हम ATP कितने मिले थे, NADH कितने मिले थे, और आपके फाइनली FADH कितने मिले हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में आपको क्या कितने ATP मिले थे? आपको एक ग्लूकोज से दो ATP मिले थे, दो NADH मिले थे, FADH एक भी नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़ करी थी लिंक रिएक्शन, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये साइटोप्लाज्म में हुई थी। तो लिंक रिएक्शन में आपके कौन कौन गए थे? यहाँ पर मैं पायरूविक एसिड लिखता हूँ, पायरूवेट, पायरूवेट आपकी गई थी लिंक रिएक्शन के अंदर। और लिंक रिएक्शन में आपको क्या क्या मिला था? ATP जीरो मिले थे, NADH मिले थे दो, क्योंकि दो पायरूवेट एंटर करे थे, ठीक है, एक पायरूवेट से एक मिला था और दो पायरूवेट से दो मिल गए थे, ठीक है। फाइनली हमारे पास एसिटाइल कोए बना था, और ये एसिटाइल कोए को अभी अभी हम सिट्रिक एसिड साइकिल से निकाल कर लाए हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको ATP कितने मिले थे? एक, लेकिन एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल से दो, तो यहाँ पर ATP हो जाएंगे दो। NADH कितने मिले थे? तीन एक में, तो छः, और यहाँ पर FADH भी मिल गए आपको दो। अगर इनको आप टोटल कर लोगे तो टोटल आ जाएंगे आपके पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, 6 2 और 2, 10 NADH मॉलिक्यूल हैं, और आपके फाइनली 2 FADH मॉलिक्यूल हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हम इनके अंदर से एनर्जी निकाल लेंगे, और एक NADH से 3 ATP बनते हैं, और एक FADH से आपके
दो ATP बनते हैं, तो आपके टोटल ATP 36 से 38 निकल करके आएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में सारे निकालेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।